मेहता का उल्टा चश्मा। घर पे तो ताला है। घटिया का है? मगन पापू जी का गांव में है? हाँ, मेरे बाबा तो कब से गांव में ही है। अरे मैं तेरे बाबा की नहीं, मेरे पापू जी की बात कर रहा हूँ। पापू जी कहाँ है? मुझे नहीं पता। पप्पू जी यहाँ नहीं आए? नहीं 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 नहीं। अरे तुम यहाँ नहीं आए तो फिर कहाँ गए पप्पू जी? मुझे नहीं पता। अरे तुझे नहीं पूछ रहा हूँ मैं। अरे एकड़ा तिकड़ा काई बकते है, मैं स्वागत बोलत होते। मंजे मंजा तू गप्पा बस। क्या किससे बात कर रहा है? एंगेज क्यों आ रहा है? बोलो। बापूजी का फोन बिजी आ रहा है। हेलो जेठिया, कहाँ है तू? अरे बापूजी मैं तो यही हूँ, आप कहाँ है? अरे मैं भी यही हूँ, तू कहाँ है? तू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तू क्या गार्डन में है? गार्डन? कौन सा गार्डन? अरे कौन सा गार्डन क्या जेठिया, हमारी सोसाइटी में क्या 10-15 गार्डन है? एक ही तो गार्डन है। आप गोकुलधाम सोसाइटी में? तू कहाँ है? मैं यहाँ गोडाउन के बाहर। अरे तू गोडाउन क्यों पहुँच गया? सुबह सुबह क्या नशा करके बैठा है? अरे मैं सुबह सुबह नशा क्यों करूँगा बापूजी? मेरा मतलब है सुबह दोपहर शाम मैं कभी भी नशा नहीं करता हूँ बापूजी। अच्छा रात को करता है? नहीं नहीं रात को भी नहीं करता हूँ। तो रात क्यों नहीं बोला? तो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, मध्य रात्रि हो, प्रातः काल हो, मैं कभी भी नशा नहीं करता हूँ बापूजी। मैं एकदम नशा युक्त आदमी हूँ। नशा मुक्त आदमी हूँ बापूजी। अभी आप नशा छोड़िए ना बापूजी। क्या बोला तूने? मैं नशा करता हूँ? नहीं नहीं आप कहाँ नशा करते? अरे अभी तूने बोला ना नशा छोड़िए बापूजी। मेरे कहने का मतलब है कि हम और आप अभी नशे की बात छोड़ देते हैं और मेन बात पे आते हैं। आप मुझे ये बताइए, आप चाबी लेके गोकुलधाम सोसाइटी क्यों पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए मतलब? तूने तो बोला था चाबी लेके पहुंचे। अरे बापूजी पहुंचे मतलब मैंने चाबी लेके गोडाउन पहुंचने का बोला था आपको। चुप रह, झूठ मत बोल। तूने मुझे ये नहीं बोला था कि चाबी लेके गोडाउन पहुंचे। तूने मुझे ये बोला था चाबी लेके पहुंचे। और ये सब हमारी जब बात हुई तब तू कहाँ था? अरे बोल कहाँ था? सोसाइटी कंपाउंड में। हाँ तो फिर मैं सोसाइटी कंपाउंड में ही पहुँचूंगा ना। पर बापूजी साधारण रीते हम लोग चाबी लेकर जहाँ ताला होता है वहीं जाते हैं ना बापूजी। ताले से उल्टी दिशा में थोड़ी जाते हैं। हेलो हेलो जेठिया, जेठिया आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो बापूजी, अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है आ रही है। एक मिनट देख जेठिया, मेरे मोबाइल की बैटरी है ना एकदम कम हो गई है, मोबाइल कभी भी बंद हो जाएगा। अभी जल्दी बोल क्या करना है अभी। चल छोड़, मैं एक काम करता हूँ, मैं ही चाबी लेके गोडाउन पे आ जाता हूँ। सुना तूने? हाँ सुना, लेकिन आप चाबी लेके गोडाउन मत आइए बापूजी। क्या क्या मत आइए? अरे तू चाबी लेने यहाँ सोसाइटी कंपाउंड आएगा, यहाँ से फिर गोडाउन जाएगा, कितना टाइम लगेगा? नहीं मैं भी चाबी लेने वहाँ नहीं आ रहा हूँ। तू चाबी लेने सोसाइटी नहीं आ रहा, मुझे चाबी लेके गोडाउन पे आने नहीं दे रहा है, तो चाबी क्या है मोबाइल से मैसेज पे भेजू? नहीं नहीं बापू जी, वो भागा एक पार्टी से चेक लेने के लिए सरदार चौक तक आया ही है तो। हेलो 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 हेलो, मोबाइल बंद हो गया, घर का फोन भी बंद है, अभी जेठिया से बात कैसे करूं? लगता है बापू जी के मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। ये भगवान, घर का फोन बंद है, टाइम कम है, 11 बजे गोयल साहब आने वाले हैं, क्या करूं? अब्दुल को फोन करता हूं।
हाँ बोले जड़ा भाई। अरे अब्दुल, अभी मेरे बापू जी के साथ फोन पे बात हो रही थी, लेकिन बापू जी के फोन की बैटरी अचानक खत्म हो गई तो फोन बंद हो गया और हमारी बात अधूरी रह गई। तो बापू जी वही कहीं अपने सोसाइटी कंपाउंड में है, तो तू जरा अपने फोन से बापू जी से मेरी बात कराता है जरा प्लीज। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अभी करवा देता हूँ। थैंक यू अब्दुल। एक काम कर, तेरे मोबाइल से जरा जटिया को फोन लगा। क्यों? मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया पुपड़ लड़की तेरा। मैम बैलेंस खत्म नहीं हुआ है भाई, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है। तू जटिया को फोन लगा ना। अच्छा पर हुआ क्या? वो बाद में बताता हूँ, तू फोन लगा ना। लगा तो, पर हुआ क्या चाचा जी? अरे मास्टर सवाल बाद में करना, तू फोन लगा ना जल्दी। लगाता हूँ लगाता हूँ। जब तक फोन लग रहा है तब तक बता सकते है क्या हुआ? लग गया, फोन काट दिया जेठालाल ने। हाँ तो फिर से लगा। फिर से काट दिया। क्या बिना? एक काम कर, जेठिया को मैसेज कर कि मुझे उससे बात करनी है। जेठालाल मुझे बात नहीं करनी, चाचा जी को करनी है, फोन उठाओ। गया? हाँ गया मैसेज। बापूजी भिड़े के साथ में ही है। सॉरी सॉरी भिड़े सॉरी। हाँ अब्दुल। हाँ जटे भाई, चाचा जी मिल गए, मेरे साथ ही है। बापूजी तेरे साथ है? लेकिन अभी मुझे भिड़े का मैसेज आया कि बापूजी उसके साथ है। हाँ हाँ वो भिड़े भाई के साथ भी है। अच्छा तुम तीनों साथ में हो क्या? नहीं नहीं जटे भाई, पहले आपने जब फोन किया था ना तब मैं दुकान पे था, अब हम तीनों साथ में है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो अब्दुल एक काम कर, तू वापस दुकान जा, दुकान संभाल। मैं भिड़े के फोन पे फोन करके बापू जी से बात कर लेता हूँ। थैंक यू दोस्त। ओके। नहीं नहीं चाचा जी, जेठा भाई बोल रहे कि वो भिड़े भाई के फोन पे फोन करेंगे, मैं चलता हूँ। ओके आ गया लगता है। वो जेठालाल तुमने दो बार मेरा फोन काटा, मुझे बात नहीं करनी है, चाचा जी को बात करनी है। जरा बापू जी को फोन दे। हेलो। हाँ जेठिया। हाँ बापू जी। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हाँ हेलो जेठालाल। हाँ भिड़े यार, तो बापू जी को फोन देना भाई। हाँ 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 आवाज तो आ रही है। आ रही है। हाँ हाँ जेठिया। हेलो हेलो हेलो, कहाँ आ रही है आवाज? बोले मुझे तो आ रही है आवाज। हाँ जेठालाल। अरे भाई तो बापू जी को फोन देना भाई। अरे दो बार फोन दे चुका उनके हाथ में, जब भी वो बात करने जाते सिग्नल कट जाता है, और जब मैं बात करूँ तो सिग्नल आ रहा है। तो काम कर, तू जहाँ खड़ा है वहाँ बापू जी को खड़ा कर और उनको फोन दे। अच्छा एक मिनट चाचा जी, इधर। हाँ कीजिए बात। हेलो जेठिया, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बापू जी आ रही है, आपका मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ रही। हाँ बोल, तू क्या कह रहा था बाघा के बारे में? मैं ये कह रहा था कि बाघा वो एक पार्टी का चेक लेने के लिए सरदार चौक तक आया है। हेलो हेलो जेठिया, फिर से आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्कला। हेलो 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 जेठालाल। हेलो 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 हेलो। अरे क्या कर रहा है पीछे नेट तो सही। हेलो 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 जेठालाल आवाज आ रही है? हेलो 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 जेठालाल। हेलो। अरे आ रही है भाई, लेकिन तू बापू जी को फोन देना भाई, बीच बीच में तू क्यों फोन ले रहा है? हाँ अभी आवाज आ रही है, बात कीजिए। अरे क्या बात कीजिए, ऐसे कैसे बात करूं? ठीक है ठीक है, एक काम कीजिए आप, पकड़ी इधर फोन को, यहाँ पकड़िए। आइए 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 आइए। देखिए बात कीजिए। हाँ हेलो जेठिया, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बापू जी, आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? आ रही आ रही आ रही। हाँ बोल बोल, क्या बोल रहा था? मैं ये कह रहा था कि एक पार्टी से चेक लेने के लिए वो बाघा सरदार चौक तक आया है, तो मैं उसको फोन करके बोल देता हूँ कि वो सरदार चौक में ही रहे, और आप क्या चाबी लेके उधर पहुँच जाइए सरदार चौक, और बाघा को चाबी दे दीजिए, तो क्या बाघा फटाफट चाबी लेके यहाँ आ जाएगा, तो क्या टाइम भी नहीं बिगड़ेगा और आपका गोडाउन तक का धक्का भी बच जाएगा। हाँ हाँ मैं सरदार चौक पहुँच जाता हूँ। अच्छा बापू जी मैं क्या कर रहा हूँ,
अभी रिक्शा मिले ना मिले तो जरा भीड़ का रिक्वेस्ट कीजिए ना, अपने सखाराम में आपको सरदार चौक तक ले जाए। एक मिनट चालू रख, मैं पूछता हूँ। भीड़ नीचे उतर। क्या हुआ? सुन देख, क्या है जेठा है ना, गोडाउन की चाबी भूल गया है और उसकी 11 बजे है ना बहुत बड़ी मीटिंग है, तो तू मुझे सरदार चौक छोड़ देगा, वहाँ मुझे भागा मिलेगा, उसे गोडाउन की चाबी देनी। अरे देवा, जब जब मैं घड़ा परिवार की खास करके जेठाल की मदद करने गया हूँ, परेशानी हुआ। अरे सोच क्या रहा है, बोल मदद करेगा कि नहीं? चाचा जी मैं ना कहाँ बोल रहा हूँ। तो हाँ भी तो कहाँ बोल रहा है तू? अरे बोल के मैं रिक्शा में चला जाऊँ। ठीक है, है? मैं आ रहा हूँ आपके साथ। मुसीबत में एक दूसरे के काम आना हम गोकुलधाम वासियों का प्रथम कर्तव्य है ना। वाह। और वैसे भी मुझे आचरण बढ़ के डिलीवरी करने बाहर जाना ही है, तो मैं आ रहा हूँ आपको छोड़ने के लिए, जो होगा वो देखा जाएगा। नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ हेलो जेठिया, ये बिल्ली मास्टर। हेलो जेठिया, ये फिर से आवाज नहीं आ रही है, उठा मुझे उठा। फिर से? हाँ। एक मिनट। अरे अरे कहाँ जा रहे है? अरे मैं तेरे सारे लोग क्या कर रहे आइए इस पे आइए, इस पे आइए, इस पे चढ़ जाऊँ? हाँ इस पे चढ़ जाइए। ये चप्पल उतार के मंदिर छोड़िए। सॉरी सॉरी चढ़िए। हेलो जेठिया, आवाज आ रही है? आ रही है बाबूजी, आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ मैं भिंडी मास्टर के साथ सरदार चौक पहुँच रहा हूँ। ओके बाबूजी। हाँ चाचा जी फोन स्पीकर पे करना, मुझे बात करनी है जेठा। यहाँ ऐसे भी तो बात कर सकता था, नेटवर्क नहीं आ रहा है ना। हाँ जेठिया, फोन स्पीकर पे है, भीड़े को तुझसे बात करनी है। हाँ बोल भीड़े। हाँ जेठालाल, मैं भी चाचा जी को लेकर सरदार चौक आ रहा हूँ, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मुझे मत बोलना। इसमें गड़बड़ क्या होगी? नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। अरे भाई तो नकारात्मक क्यों सोच रहा है भीड़े भाई, हकारात्मक सोच, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो फटाफट बापू जी को लेकर सरदार चौक पहुँच और वहाँ पहुँचते ही बापू जी को बागा के हाथ में दे देना। मेरा मतलब है वहाँ पहुँचते ही बापू जी गोडाउन की चाबी बागा के हाथ में दे देंगे। हाँ ठीक है ठीक है, फिर चाचा जी का क्या करना है? तो एक काम करना, मुझे वहाँ धूप में सूखा ले रख दे। क्या करना है क्या, मैं तो तेरे साथ वापस ही आऊंगा ना। लेकिन मुझे आचरण बढ़ के डिलीवरी करने जाना है चाचा जी। अरे तो भाई मैं रिक्शा से वापस आ जाऊंगा, तू चलना जल्दी, 11 बजे जेठिया की बहुत बड़ी मीटिंग है। हाँ और सुन भाई भेड़ा, बापू जी का फोन बंद है तो तू तेरा फोन और बापू जी दोनों को अपने साथ में ही रखना। हाँ हाँ, मतलब एक जेब में मोबाइल और एक जेब में चाचा जी। क्या? सॉरी सॉरी विनोद किला। अब आता प्लीज, आता नको नको विनोद, विनोद का ही नको प्लीज। तू फटाफट सरदार चौक पहुंच भाई। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा लेकिन सरदार चौक में एग्जैक्टली मिलना कहाँ है? सरदार चौक बहुत बड़ा है। एक काम कर, मैं बाका को फोन करके पूछता हूँ और तुरंत तुझे वापस फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ तो मुझे रुकना है कि मैं चाचा जी को देख निकलूँ यहाँ से। एक मिनट फोन चालू रख, मैं बाका को कॉन्फ्रेंस कॉल में लेता हूँ, ठीक है? ये सेठ जी बहुत व्याकुल हो रहे हैं। हाँ सेठ जी, मयूर भाई का चेक मैंने डिपॉजिट कर दिया है। शाबाश, अभी तो मुझे ये बता तो कहाँ है वो? मयूर भाई की ऑफिस के आगे बैंक है ना, उसके बाहर खड़ा हूँ। ठीक है तो फोन चालू रख, मैं भीड़े को लाइन पे लेता हूँ। अरे बाप रे, भीड़े भाई आउटलाइन कब से हो गए? लाइन पे लेता हूँ मतलब भाई, भीड़े भाई का भी फोन चालू है तो मैं भीड़े भाई का, तेरा और मेरा, हम तीनों का फोन वो कॉन्फ्रेंस कॉल में कर देता हूँ। अच्छा अच्छा कीजिए कीजिए सेठ जी। हेलो भीड़े। हाँ जेठालाल। देख अभी बागा भी लाइन पे है। नमस्ते भीड़े भाई, और कैसे हैं आप? अरे भाई तो तेरा नमस्ते अपने पास रखना अभी, और बात सुन, बापू जी गोडाउन की चाबी लेकर भीड़े के साथ अभी सरदार चौक पे आ रहे, तो तू सरदार चौक में ही रहना, बापू जी से गोडाउन की चाबी लेकर फटाफट इधर गोडाउन पे आ जाना। अरे लेकिन सेठ जी क्यों खामखा भीड़े भाई और बापू जी को सरदार चौक तक धक्का खिला रहे हैं? उससे अच्छा मैं जाता हूँ गोकुलधाम सोसाइटी और चाबी लेके फटाफट गोडाउन पहुँचता हूँ। अरे भाई अभी सब नक्की हो गया है, तो अपना डोटा पर बंद कर, बोला उतना कर। ठीक है ठीक है सेठ जी ठीक है। और सुन, सरदार चौक में एग्जैक्टली ये लोग कहाँ मिले तुझे? अच्छा बागा, एक काम करना, वहाँ पे एक वो फेमस पानीपुरी वाला ना शर्मा जी, वहाँ पे मिलना मुझे। नहीं नहीं नहीं, शर्मा पानीपुरी वाले के यहाँ नहीं। क्यों? वो क्या हुआ था, एक बार मैं और बावरी जी उसके यहाँ पानीपुरी खाने गए थे,
फिर उसने मसाला पूरी देने से इनकार कर दिया, तो मेरा उस शर्मा पानी पूरी वाले के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, इसलिए वहाँ नहीं। तो फिर कहाँ मिलना है, तुम ही बताओ। मेरे भाई, गुप्ता लस्सी सेंटर पता है आपको? हाँ पता है पता है, अरे वहाँ पे काफी लस्सी पी है मैंने। वहाँ की केसर लस्सी तो मेरी और माधी की बहुत फेवरेट है, ऊपर से जो मलाई डालते हैं ना उसमें। भीड़े, भीड़े, भाई भीड़े, तो अभी फटाफट बापूजी को लेकर सरदार चौक पहुँचना पाए। हाँ ठीक है पहुँचता हूँ। और भागा। हाँ सेठ जी, देख बापूजी का फोन हो, उनकी बैटरी खत्म हो गई ना तो बंद है, तो कुछ भी होता तो भीड़े भाई के फोन पे फोन करना जी। हाँ लेकिन जेठालाल, मैं सकाराम चलाते वक्त फोन अटेंड नहीं करूंगा, मैं वातों के सभी नियमों का पालन करता हूँ। बताया तुम्हें, आज तक मुझे वातुक एक्ट का कोई भी दंड नहीं हुआ है। वाह। हाँ तो आज भी नहीं होगा तो एक काम करना, तेरा फोन अभी से बापूजी को दे दे, तो अगर बागा फोन करेगा तो बापूजी डायरेक्ट बात कर लेंगे। हाँ तू अपने आराम से स्कूटर चलाते रहना। सखाराम। तो हाँ हाँ सखाराम चलाते रहना, ठीक है? तो अभी निकल भाई जल्दी और पहुँच जल्दी हो सरदार चौक। हाँ मेरे भाई आप जल्दी निकलिए, मैं बस 2 मिनट में सरदार चौक पे गुप्ता लस्सी सेंटर पहुँच जाऊंगा। हाँ बस निकल ही रहे। हाँ अभी सब सेट है, गोयल साहब आएंगे उसके पहले गोडाउन की चाबी आ जाएगी। जी चाबी आने में देर है ना? हाँ क्यों, भूख लगी है, नाश्ता करके आओ। ठीक है जा करके आजा। आप कुछ खाएंगे सर जी? ना मुझे कुछ नहीं खाना। चाय लाओ आपके लिए। अरे कुछ नहीं पीना है भाई, तो जल्दी जा और फटाफट नाश्ता करके वापस आ जल्दी। ये जेठालाल भी कमाल का भुलक्कड़ है, उसको पता था जितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो गोडाउन की चाबी लेके निकलना चाहिए था ना, ये इतनी मगजमारी होती ही नहीं होगी ना चाचा जी। तू सखाराम चलाने पे ध्यान देना भाई, और होता है कभी कभी इंसान कभी कभी भूल जाता है, तू कभी कुछ नहीं भूलता। नहीं भूलता ना, लेकिन जेठा जितना नहीं भूलता। चल भाई चल, अभी जल्दी से मुझे सरदार चौक पहुँचा दे, एक बार बाघा के हाथ में चाबी दे दू और वो गोयल साहब के आने से पहले गोडाउन जल्दी से खुल जाए और जेठा की अच्छे से मीटिंग हो जाए ना, तो मेरे मन को शांति हो जाए। हाँ हो जाएगा चाचा जी, चिंता मत कीजिए। एक बार चाबी देने के बाद ना हम लोग वहाँ पे 8 महीने केसर लस्सी पियेंगे। हाँ भाई मैं तुझे पिलाऊंगा, तू चल ले। फिर तो मैं दो दो पिलो। पहुंच गया सरदार चौक और ये रहा गुप्ता लस्सी सेंटर। सेठ जी को फोन करके बता देता हूँ। अरे जीटा भाई। बोले बोले शर्मा जी। ये कोरोना ने अच्छे अच्छों का धंधा बंद कर दिया, मेरा भी धंधा बंद हो गया, और देखो ना आपके गोदाम को भी ताला लग गया। अरे नहीं भाई, वो शर्मा जी शुभ शुभ बोलिए, मेरा धंधा बढ़िया चल रहा है। तो आपने अभी तक गोदाम खोला क्यों नहीं? चाबी आज मैं जरा घर पे भूल गया तो मंगाई है, आ रही है चाबी। अच्छा अच्छा मिलते हैं। हाँ सेठ जी, मैं यहाँ गुप्ता लस्सी सेंटर पहुँच गया हूँ। शाबाश, तो अभी गुप्ता लस्सी से 5 फीट भी दूर मत जाना, बापू जी और भीड़ा भी पहुँचे रहे होंगे। अरे 5 फीट क्या सेठ जी, मैं यहाँ से 2 फीट भी नहीं हिलूंगा। बस 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 ठीक है, वहीं खड़ा रहे जी। ले भाई को फोन करके पूछ लो कहाँ पहुँचे। नहीं नहीं नहीं, आधे रस्ते तो पहुँच ही गए होंगे, यही इंतजार करता हूँ। जल्दी चला ना भाई, सरदार चौक कब आएगा? चाचा जी सरदार चौक नहीं आएगा, हम सरदार चौक पे जाएंगे, 10 मिनट में आ जाएगा। अब लग रहा है, क्या कर रहा है? अब लग रही है चाचा जी। चाचा जी क्या कर रहे हैं, गुदगुदी हो रही है? अरे चाचा जी, अरे 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 गुदगुदी हो रही है चाचा जी, चाचा जी क्या कर रहे हैं? अरे अरे गुदगुदी हो रही है, अरे देखिए मेरे गुदगुदी हो रही है चाचा जी, चाचा जी। दोस्तों आपने कई कलाकारों को 3-4 गेंद के साथ खेल करते देखा होगा, एक के बाद एक फेंकते रहते हैं और लेकिन गिरती नहीं, जगलरी, मजा आता है देखने में। और यही जगलरी इस वक्त गोकुलधाम में हो रही है। जेठालाल और चाचा जी एक दूसरे से मिलने के लिए इधर से उधर हो रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे। भिड़े ने स्कूटर भी ठोक दिया है, अब क्या होगा? ये जो गोडाउन की चाबी है, इसे बाघा का मेल होगा या नहीं होगा?
चाचा जी और भिड़े क्या करेंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे। लेकिन बाघा भी अपना कम खिलाड़ी नहीं है ना, हार नहीं मानेगा। वो चाबी और चाचा जी से मेल की कोशिश जरूर करेगा। अब देखने वाली बात यह है कि इस वक्त तो फुटबॉल का मैदान बना हुआ है, इधर से उधर सब कुछ हो रहा है, ये गोडाउन की चाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहीं गोयल साहब बाहर से ही तो नहीं चले जाएंगे, और जेठालाल के गोडाउन की चाबी की पहेली सुलझेगी और उलझ जाएगी। भैया तो तभी पता चलेगा जब आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखेंगे, और वो आप जरूर देखेंगे। लेकिन मित्रों उससे पहले एक विशेष बात, कल 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस, आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। कल हमारी परेड और झांकी जरूर देखिए, और सभी को अपने बच्चों को खास तौर पर देश में जो ये अनेकता में एकता है, हमारी विविधता की संस्कृति है, उसके बारे में बताइए। और यहाँ ये गोडाउन की चाबी क्या गुल खिलाएगी, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।